दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल कृष्णा फैंटेसी में। एंड आज हम बात करेंगे ECI T10 मैच के बारे में जो कि यहाँ से खेला जाएगा ऑस्ट्रिया वर्सेस पुर्तगाल के बीच। दोस्तों ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रम्प प्लेयर होने वाले जिनका सिलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन भी करवा देंगे। कौन से वो प्लेयर होने वाले हैं, साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन का बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से आइए, लिंक पर क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फाइनल टीम आपको यही मिलेगी। अगर मैं आपको रीसेंट मैचेस का रिजल्ट भी बताऊँ तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर मैचेस में यहाँ पे क्लीन स्वीप ही करा है। दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी टीम के बारे में, तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी भाई नए हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यार एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करोगे मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। उम्मीद करता हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। बात करें हमारी टीम के बारे में, तो विकेट कीपर में यहाँ पे आरिफ का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। अगर हम आरिफ के बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करते हैं तो नंबर 5 पे बैटिंग करेंगे, हालांकि लास्ट रन में 0 रन पे आउट हो गए थे दोस्तों, ऐसा कुछ इनका परफॉर्मेंस रहा था। और उससे पहले अगर मैं बात करूँ किसी मैच में इनकी बैटिंग नहीं आई, बट आप चाहो तो ट्राई करके चल सकते हो। एक चीज़ है दोस्तों, इनका वैसे रिकॉर्ड आप देखोगे ना इतना अच्छा वैसे रहा नहीं है, बट आप ट्राई करना है तो कर सकते हो फर्स्ट बैटिंग में। बाकी यहाँ पे एम साफ़ी का ऑप्शन होने वाला है, इनको यार मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि इनका तो बैटिंग ऑर्डर और भी आपको नीचे नज़र आने वाला है, तो शायद इनकी तो बैटिंग ही ना आए। यहाँ पे सुमन आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, ओपन करेंगे, हालांकि लास्ट मैच के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 4 रन पे आउट हो गए थे दोस्तों, लेकिन प्लेयर अच्छे है, रिकॉर्ड अच्छा रहा है, मुझे लगता है आप इनके साथ जा सकते हो और मैं इनको ही अपनी टीम में रखूँगा क्योंकि ओपन करेंगे तो रन बनाने का चांस भी इनके पास काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। वहीं दोस्तों अगर बैटिंग में हम बात करते हैं तो सबसे पहले आर इमरान का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। अब यार आर इमरान के बारे में बात करें ना तो इनका बैटिंग ऑर्डर आपको काफ़ी नीचे नज़र आ सकता है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान में रखिए, क्योंकि रीसेंट में अगर लास्ट मैच ही देखोगे तो यार नंबर 8 पे बैटिंग करने आए थे, जो कि मुझे लगता है यार काफ़ी नीचे हो जाते हैं। लास्ट मैच के बारे में बात करूँ हालांकि 0 रन पे ही आउट हो गए, मैं अभी तो इनको ड्रॉप करके चल रहा हूँ। अगर मुझे पता चलता है ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे तो मैं ज़रूर इनको रखना चाहूँगा, क्योंकि वैसे ये टॉप ऑर्डर के ही प्लेयर है, बट अभी मैं थोड़ा सा इनसे दूर जा रहा हूँ। आई आसिफ के बारे में अगर हम बात करें, इमरान आसिफ दोस्तों, यहाँ पे अगर इनका परफॉर्मेंस देखोगे ना दोस्तों तो यार आपको इनका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे नज़र आएगा, फॉर्म इतना अच्छा है नहीं, तो इसलिए मैं इनको सजेस्ट नहीं करूँगा। इनके अलावा आपके पास सिग्वाल का ऑप्शन होने वाला है। अगर बैटिंग ऑर्डर के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों, नंबर 3 बैटिंग करेंगे, हालांकि लास्ट मैच के बारे में मैं बात करूं तो 2 रन पे आउट हो गए थे, लेकिन भाई ये जो टूर्नामेंट रहा है इसका परफॉर्मेंस इनका अच्छा रहा है और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आर सर्वर के बारे में अगर हम बात करें, परफॉर्मेंस के बारे में दोस्तों किस टाइप का रहेगा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, तो यार इनका बैटिंग ऑर्डर भी आपको नंबर 6-7 पे नज़र आएगा, जो कि मेरे हिसाब से नीचे हो जाता है। हालांकि एक प्लस पॉइंट है कि आपको बॉलिंग करवाते हुए नज़र आएंगे, लास्ट में 1 विकेट निकाले और रीसेंट में जितने मैचेस में ये बॉलिंग करवा रहे हैं ना तो ऑलमोस्ट विकेट निकाल के दे ही रहे, तो इसलिए ये आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। बाकी यहाँ पर बी खान का भी आपके पास ऑप्शन होने वाला है, लेकिन परफॉर्मेंस और बैटिंग ऑर्डर आप देखोगे तो वो आपको नीचे नज़र आएगा और परफॉर्मेंस इतना कुछ खास रहा नहीं है। एस गोमेज़ का आपके पास ऑप्शन होने वाला है दोस्तों। अब बैटिंग ऑर्डर के बारे में अगर हम बात करते हैं, एस गोमेज़ के ओपन करते हुए नज़र आएंगे, लास्ट रन में भी शानदार 69 रन की अच्छी इनिंग्स खेली, हालांकि एक हिटर बैट्समैन है, चलेंगे नहीं चले वो नहीं कह सकते, लेकिन इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि देखो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, तो मैं इसलिए ज़रूर इनको लेके चलना चाहूँगा दोस्तों। के जाकर यार बैटिंग ऑर्डर आपको काफ़ी नीचे नज़र आएगा, नंबर 9-10 पे बैटिंग करते, हालांकि बॉलिंग करवाते, लास्ट रन में 1 विकेट निकाले थे, आप बॉलिंग के अकॉर्डिंग रख सकते हो, वैसे तो टॉप ऑर्डर में ये खेलते बट यहाँ पे नीचे बैटिंग कर रहे हैं तो मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। जे मार्टिन टू ग्रैंडली में आप ट्राई कर सकते हो कुछ टीमों में, अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करती है तो नंबर 4 बैटिंग करेंगे, लास्ट रन में 4 ही रन पे ही आउट हो गए थे। फिलहाल 3 में बैट्समैन यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। ऑलराउंडर के बारे में हम बात करें,
के सिंह का आपके पास सबसे पहले ऑप्शन होने वाला है। अगर के सिंह के बारे में हम बात करें, ओपन करते हुए नजर आएंगे दोस्तों, लास्ट मैच में शानदार 44 रन की इन्होंने अच्छी इनिंग्स इन्होंने खेली थी, प्लस बॉलिंग भी करवाते और 4 विकेट भी इन्होंने निकाले थे, इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इकबाल के बारे में बात करें, एक और अच्छे ऑप्शन होने वाले हैं। हालांकि लास्ट मैच के बारे में बात करें, 20 रन इन्होंने करे, बॉलिंग करवाते, हालांकि बॉलिंग से विकेट नहीं निकाल पाए, लेकिन ये शुरुआत जो टूर्नामेंट की हुई है अच्छी हुई है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ए सिंह के बारे में अगर हम बात करें, नंबर 5 आपको बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, हालांकि लास्ट रन में जल्दी आउट हो गए 8 रन पे दोस्तों, और बॉलिंग से भी कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन इनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है, प्लस कुछ मैचेस अच्छे गए रीसेंट के, इम्पोर्टेंट ये भी हो जाते बैटिंग बॉलिंग करके देंगे। एस जादरान एक और विकेट टेकर बॉलर आप बोल सकते हो, बैटिंग ऑर्डर नंबर 7 रहेगा, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे हो जाता है, हालांकि बैटिंग आती है तो कर सकते, लेकिन विकेट टेकर बॉलर है, कंटिन्यू विकेट निकाल रहे, लास्ट रन में शानदार एक विकेट इन्होंने निकाला था, इनको भी मैं अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ। पी सिंह के बारे में बात करें, लास्ट रन में कोई विकेट नहीं निकाल पाए दोस्तों, बैटिंग ऑर्डर नंबर 6 पे रहेगा, लास्ट रन में कोई विकेट नहीं था इनके नाम, लेकिन हाँ इनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है, कंटिन्यू विकेट निकाल रहे हैं, पहले बॉलिंग करेगी इनकी टीम तो हम रखेंगे, क्योंकि डेथ में भी बॉलिंग ये करवा लेते हैं। इदार के बारे में हम बात करें दोस्तों, नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे, हालांकि लास्ट रन में 0 रन पे आउट हो गए, लेकिन बॉलिंग का कोई अता पता नहीं है, पहले अगर इनकी टीम बैटिंग करती है तो एक अच्छे ऑप्शन ही बन सकते हैं, अभी मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, बट इनको ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करना, मैं स्मॉल लीग में भी रखने की पूरी कोशिश करूँगा। फिलहाल 4 हमारे ऑलराउंडर रहेंगे। बॉलिंग में बी जलमाई का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। लास्ट मैच के बारे में बात करूँ, विकेट नहीं निकाल पाए दोस्तों, लेकिन ध्यान रखना लास्ट रन में 19 रन करे, विकेट नहीं निकाल पाए, लेकिन उससे पहले विकेट भी निकाले और रन भी करे, ये आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एस मैसम का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, लास्ट रन में कोई विकेट नहीं निकाल पाए थे, लेकिन विकेट टेकर बॉलर है, फर्स्ट बॉलिंग में ज़्यादा अच्छा करके दे सकते हैं। गोंडल का आपके पास ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, लेकिन यार इनके जो है ना ओवर वगैरह कटने के मुझे थोड़े चांस लगते हैं, हालांकि लास्ट रन में विकेट निकाले, लेकिन रीसेंट के 5-7 मैचेस में देखोगे तो इतने विकेट नहीं निकाल पाए। यहाँ पे ज्ञानी के बारे में बात करें, परफॉर्मेंस के बारे में किस टाइप का रहेगा दोस्तों, लास्ट मैच में कोई विकेट नहीं निकाल पाए, लेकिन उससे पहले विकेट निकाले और विकेट टेकर बॉलर है, ओपन और मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करवा लेते, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते। इनके अलावा एस रहमान का भी आपके पास ऑप्शन होने वाला है, लास्ट मैच में बहुत शानदार इनका परफॉर्मेंस रहा था, एक ही ओवर में इन्होंने 2 विकेट निकाल लिए थे, तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा लगता है कि रिस्क हम जो है मैसम के ऊपर भी रख सकते हैं, बाकी सेफ आप रहमान के साथ भी जा सकते हैं। कैप्टन और वाइस कैप्टन के सिंह एक अच्छे ऑप्शन होने वाले हैं, जिनको इस मैच में आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। इनके अलावा अगर हम बात करें वाइस कैप्टन के बारे में, देखिए कैप्टन मुझे लगता है के सिंह अच्छे ऑप्शन है, और वाइस कैप्टन में अगर हम देखते हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो एक तो इकबाल मुझे लगते हैं, और एक बी जलमाई भी एक अच्छा ऑप्शन है, मैं इवन जलमाई के साथ जाऊँगा, क्योंकि स्पिन बॉलिंग करवाते हैं तो थोड़ा सा एडवांटेज है विकेट का। फिलहाल ये हमारी टीम का प्रीव्यू, आप इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।